महेश वेल्थ एडवाइजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर बसंत महेश्वरी। बसंत जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। चौतरफा केओस है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है इस समय इक्विटीज में पैसा रखे ना रखे, बताइए आपके मन में आजकल क्या चल रहा है? नमस्कार, मन में तो ये चल रहा है कि सारी दुनिया लगी है कि किसी ढंग से स्टिमुलस करें। स्टिमुलस का कोई भी फायदा अभी नहीं होगा जब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आता है। तो एक अच्छी खबर यह है कि जिस दिन कोरोना कंट्रोल आया उस दिन बाजार सर्किट से ऊपर बढ़ेगा, परसेंटेज से नहीं बढ़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम होता है बाजार में, आप कोई एक रिस्क को जब प्राइसिंग नहीं कर सकते, सपोज आप एक इंश्योरेंस कंपनी को आज फोन करिए, बोलिए मुझे कोरोना के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराना है, गारंटी आप जितना भी पैसा दे वो आपको इंश्योरेंस नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि इसका रिस्क कैसे प्राइस करे। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर कोरोना का प्राइसिंग नहीं कर पा रही है रिस्क, तो शेयर बाजार कैसे प्राइसिंग करेगा? खराब बात यह है कि इसमें हम नीचे कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर कहीं भी जा सकते हैं। ये एक मतलब अंधेरे कमरे में काली बॉल को पकड़ने जैसी बात है, जब आपके आंख पे किसी ने पट्टी बांध दिया है तो किसी को पता ही नहीं है नीचे कहाँ ऊपर कहाँ। टिके रहिए, पैसे ठीक बनेंगे, क्योंकि कोरोना के मद्देनजर रखते हुए यूएस को देखिए, $1 trillion से ऊपर छाप दिया उन्होंने नोट, यूके कर दिया, फ्रांस कर दिया, ईयू लिक्विडिटी टैप जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो जिस दिन ये कोरोना कंट्रोल में आया, शेयर नहीं मिलेंगे, गोल्ड नहीं मिलेगा, एसेट्स नहीं मिलेगा, बिकॉज अमेरिका भी हिट कर गया है 0% इंटरेस्ट रेट को, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो सकता है वहां पे भी। तो पैसे बैंक में रखने से अगर बैंक को ही पैसा देना पड़ेगा तो इससे तो अच्छा कुछ और खरीद लिया जाए, लेकिन उसके पहले की बात जो है वो किसी को नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर फिर आप जैसे इन्वेस्टर्स और आपने इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें भी लिखी हैं द थॉटफुल इन्वेस्टर्स, आप क्या सलाह देते हैं हमारे दर्शकों को? इंतजार करें दवा आ जाए, या अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में आपको लगता है कुछ कुछ शेयरों में बॉटम बनने के करीब पहुंच गए, उनमें धीरे धीरे करके खरीदारी करनी चाहिए? आज से 20 साल पहले एक एड आता था टीवी में, आपको याद होगा हेमंत जी, उसमें कहते थे पकड़े रहना छोड़ना नहीं। परफेक्ट है। तो मुझे लगता है अभी वही नारा लगाइए, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। और दूसरी बात है, आप खरीद भी अगर लेंगे तो आपको पता नहीं कहाँ किस साइड मारेगा, बिकॉज विक्स देखिए 70 के विक्स में मार्केट तो 2% ऊपर 2% नीचे ही चलेगा ना, तो प्रॉब्लम इधर है। अब दूसरी जो बड़ी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट को आज टास्क फोर्स तो ये कल बनाए हैं, मुझे लगता है हम लोग थोड़े से बिहाइंड द कर्व है, शायद बहुत ही बिहाइंड द कर्व है, बाकी सब ठीक है। जनता देखिए, इंडिया में तो कर्फ्यू गवर्नमेंट लगा देती है ना, तो भी लोग सड़कों पे निकल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कितने जन जनता कर्फ्यू व्हाट्सएप से ज्यादा मानेंगे इंडिया में, बिकॉज आप दिल्ली में कर्फ्यू लगा देते हैं, 144 लगा देते हैं, लोग सड़कों पे आके पत्थर फेंकते हैं, कश्मीर में आप देख लीजिए। तो जब तक लोगों को डर नहीं बैठेगा कोई कर्फ्यू नहीं मानेगा। लेकिन हमारे हिंदी में पैसे का काम पैसे से ही होता है, तो अभी गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए, क्रूड की बहुत बचत है इनके पास, अब नहीं दोगे तो कब दोगे? तो आप कह रहे हैं एक बड़ा स्टिमुलस सरकार को देना चाहिए। कल जनता कर्फ्यू की बात हुई है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो बाजार को दरअसल चाहिए थी, वो मिली नहीं है, और अगर वो मिलेंगी तो एक अच्छी बात होगी। और क्या क्या है लिस्ट में आपके? क्योंकि मैं देख रहा था कई दर्शकों, कई एक्सपर्ट्स के ट्वीट्स, निलेश शाह साहब जो आपके मित्र हैं वो कह रहे हैं LTCG को कटा दीजिए, बायबैक टैक्स को रिमूव करिए, थोड़ी एक सूची बताइए ताकि सरकार उसके ऊपर कुछ फैसले। LTCG तो LTCL हो गया, उसको सब्सिडाइज कर दे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जिसके है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे। अब तो LTCG काटने का समय तो 4 महीना पहले था, आई डाउट किसी के पास भी आज के दिन LTCG है किसी भी शहर में, और जिसके पास भी है वो 10 साल 20 साल पुराने वाले हैं जो बेचेंगे नहीं। सबसे पहले मिडिल क्लास चाहिए, आम निवेशक को मिलना चाहिए। जनता कर्फ्यू से आदमी डर जब बैठेगा ना, तो आप उसको बोलेंगे कि बाहर जाओ तो भी नहीं जाएगा, डर से ही आदमी इंडिया में अंदर बैठता है, गवर्नमेंट के बोलने करने से कुछ नहीं बैठता, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं। मिडिल क्लास को पैसा चाहिए, $60 का क्रूड $25 हो गया, गवर्नमेंट पता नहीं कैसे हैंडल करती है, एक अच्छे डेरिवेटिव एनालिस्ट को बिठाए, क्रूड का फ्यूचर में हम लोग पोजीशन बनाए गवर्नमेंट एंड से, सो दैट 1-1.5 साल का हम सप्लाई अपना लॉक इन कर लें, ये पैसा लॉक इन करके नॉर्मल देश के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि भाई तुम खर्चा करो। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे किसी ने सुबह बताया कि अमेरिका में रेस्टोरेंट्स ने स्कीम निकाली है, आप आज $75 दीजिए, जिस दिन हमारा रेस्टोरेंट खुलेगा $100 का आके खाना खाइए। ये इनोवेशन अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट्स कर सकते हैं तो हमारी सरकार तो ठीक ही कर सकती है, बस सोच रहे हैं कि अब वो करेंगे कि नहीं। तो इनोवेटिव चाहिए, क्रूड सस्ता है, दबा के ले लो क्रूड, आपको तो क्रूड अगले 10 साल यूज करना है, पूरा खरीद के डेरिवेटिव पोजीशन बनाकर अपने आप को कमिट कर लीजिए 1.5 साल का, और वो पैसे की जो बचत है हमारे फिस्कल डेफिसिट की लोगों के हाथ में दे दीजिए, कैसे नहीं आएगा 7% इकोनॉमिक ग्रोथ, बट
करना पड़ेगा सर, नहीं तो नहीं होगा। ये इनफैक्ट आपने बहुत बड़ी बात की है कि किसी तरह का डोल आउट आना चाहिए सरकार को, शायद जिन लोगों को जरूरत है, लोअर मिडिल क्लास उनको कुछ रकम हाथ में देनी चाहिए। टाइम लग सकता है, ये इनफैक्ट इंस्टेंट मैथमेटिक्स बसंत जी आप भी समझते नहीं हो पाएगी सरकार की ओर से, तो होपफुली इस तरह के कदम उठाए जाए। लेकिन लोग, आपने जो कहा ना कि क्रूड सस्ता है, सरकार को बड़े पैमाने पर ले लेना चाहिए, ये बताइए आजकल इक्विटी मार्केट्स में भी लोगों की अप्रोच यही है, काफी स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स इतने सस्ते भाव पर मिल रहे हैं, तो क्या आप उनको सलाह दे रहे हैं कि उधर भी अपने पोर्टफोलियो में कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े अच्छे नाम जोड़े जाए? नहीं बिल्कुल, हम तो 100% इन्वेस्टेड है और हम सबको यही कहते हैं, क्योंकि जिस दिन मार्केट घूमेगा किसी को इनविटेशन नहीं मिलेगा, कहीं बीएसई एक्सचेंज से अनाउंसमेंट नहीं आएगा कि आज मार्केट घूम गया, और जिस दिन घूमेगा इतना पैसा छप गया है कि वो मुझे लगता है 500 700 800 पॉइंट निफ्टी के कम रिकवरी नहीं आएगी, वो अभी होएगी बाद में होगी पता नहीं। मैं आपके चैनल पे देख रहा था आप लोग एक मुहिम चलाए थे कि शॉर्ट सेलिंग को बैन किया जाए, मतलब मुझे लगता है शॉर्ट सेलर के लिए तो अभी एक नॉर्मल इन्वेस्टर ऐसा हो गया कि आपने एक बकरी के बच्चे को पेड़ से बांध दिया और भूखे भेड़ियों को छोड़ दिया बगल में। शॉर्ट सेलिंग और बाय को इक्वल फुटिंग मिलना चाहिए जब रिस्क इतनी हो, अनसर्टेनिटी इतनी है। हाँ, ये हम कहते हैं कि आज का शॉर्ट सेलर कल का पोटेंशियल बायर है, लेकिन शॉर्ट कर करके निफ्टी को आप 7,000 कर देंगे और तो फिर वो हावी हो जाएंगे, उनको तो 1400 का इंडसइंड शॉर्ट किया हुआ 4,000 जमा उनके पास, वो 203 वो घबराए नहीं छोड़ेंगे मार्केट को। तो कोई भी बाउंस भी आएगा मुझे लगता है वापस बेचा जाएगा। मदर मार्केट अमेरिका है, लग रहा है किसी हद तक कि अमेरिका में भी लग रहा है बहुत कुछ हो गया है, अब शायद इस हफ्ते लगता है सेलिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सब बातों पे सिर्फ हम चर्चा कर सकते हैं, इसे पोजीशन नहीं बनाता है कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो सेलिंग खत्म हो जाएगी। आज जो आपने सर ढाढस बांधा है हमारे दर्शकों का, वो बहुत ही काम आएगा हमारे दर्शकों के। शैल जी भी कुछ सवाल पूछने चाहते हैं, अभी स्टूडियो में शामिल हुए। शैल जी, बसंत जी नमस्कार है आपको, आपकी मैं आपकी उस चर्चा पर बड़ा ध्यान दे रहा था। आपने कहा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, मैं आपको बताऊं जितने भी मिडिल क्लास थे वो सब लोअर मिडिल क्लास हो गए, जो वेल्दी थे वो भी लोअर मिडिल क्लास हो गए, और जो सुपर रिच थे वो बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब वो वेल्थ कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने बाजार के जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुके। बिल्कुल, तो आप बताइए जो आप रिवर्सल की बात कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर किसी भी तरीके का प्रेस रिलीज नहीं पहुंचेगा बीएससी के एक्सचेंज के द्वारा कि बाजार घूम गया है, तो पहले 5 कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपकी बाय लिस्ट पे तब होंगे या अब हैं? हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूं अगर किसी को ब्लाइंड खेलना हो तो आईसीआईसीआई बैंक ले ले, रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अगर आईसीआईसीआई बैंक की इतनी पिटाई हो चुकी है, एकदम रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ कि एक तो लिक्विड है, अगर आप एज्यूम कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में कोई लॉन्ग टर्म बैंक्रप्सी रिस्क हो रही है, तब तो आपका पैसा कहीं पे भी सेफ नहीं है। दूसरी बात है, ये सारे स्टॉक इतनी पिटाई हुई है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, हमारे पास नहीं है। हेडलाइन स्टॉक्स में जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि मरना है तो बड़े डॉक्टर से मरिए, तो ये अगर फंसना है तो आईसीआईसीआई बैंक में फंसी है, एक्सिस बैंक में फंसी है, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान फंसा है, आपके साथ हिंदुस्तान की सरकार फंसी है, कोई ना कोई आपको बेल आउट करके निकाल देगा। वाओ, मजा आ गया सर। एक दो और ऐसी थ्योरीज बताइए। हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि अमरीका में सब शेयर गिर रहे हैं, आप देखिए यूएस में भी सर वॉलमार्ट का शेयर भाग रहा है, लोग नेटफ्लिक्स खरीद रहे हैं, फेसबुक खरीद रहे हैं, भारत के नेटफ्लिक्स फेसबुक। हेमंत जी, हम लोग 2-3 दिन से ऑफिस में काफी डिस्कशन कर रहे हैं यूएस स्टॉक्स के बारे में। 4 स्टॉक मैं बोलना चाहूंगा हमारे पास एकेडमिक इंटरेस्ट से करते हैं। एक रॉयल करेबियन क्रूज है जो क्रूज लाइनर चलाता है, 80% डाउन है ऊपर से। जिस दिन रॉयल करेबियन क्रूज घूम गया समझिए कि सब कुछ ठीक हो गया। दूसरा है समझिए हिल्टन होटल, क्योंकि होटल कोई जा नहीं रहा है, वो 55% डाउन है ऊपर से। तीसरा है एमजीआर कैसीनो चलाते हैं, वो मूवी थिएटर चलाते हैं, तो ये सब आपको देखने हैं कि 70-80% जो ये स्टॉक्स गिर गए हैं। चौथा है साउथ वेस्ट एयरलाइन समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, या एक रोको करके है जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, आपको खरीदना नहीं है बट आपको ट्रैक करना है वो दाम, क्योंकि जिस दिन रॉयल करेबियन क्रूज 30% बढ़ गया बॉटम से, मतलब कि कोरोना साफ हो गया है, और रॉयल करेबियन क्रूज पहले बढ़ेगा और कोरोना के साफ होने की खबर बाद में आएगी। जैसे उबर कल शायद 35% ऊपर था, तो उबर जैसे शेयर, ये अमेरिका
अमेरिका में ट्रैक करिए, ये आपको कोरोना के बारे में ज्यादा बताएंगे, ट्रंप का ट्वीट उतना नहीं बताएगा। मजा आ गया सर आपकी बात सुनकर, और आप जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं अब हम इसको सीएनबीसी आवाज पर क्लोजली फॉलो करना शुरू करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि क्या बॉटम हो गया, इसका जवाब आप क्या देते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं क्या पैसा लगा लें। अच्छा, कल रात को ऐसे ऐसे फोन आए दर्शकों, दो कुछ मित्रों के पुराने, कि लग रहा है क्या इतना करेक्शन हो, क्योंकि देखिए इस महीने 17-18% तो टूट चुका है बाजार। आपका व्यू क्या है, क्या हम बॉटम के करीब हैं इस समय? मतलब व्यू की वो कीमत नहीं है जब तक पैसा नहीं लगाया जाए। पैसा हमारा 100% इन्वेस्टेड है, लेकिन 100% इन्वेस्टेड बॉटम सोच के नहीं है, 100% इन्वेस्टेड इसलिए है क्योंकि वो एक हैबिट है। लग रहा है बॉटम हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता। कल अगर न्यूयॉर्क लॉकडाउन में आ गया, कैलिफोर्निया सुबह सुना लॉकडाउन में आ गया, लेकिन एक भाव में सब कुछ प्राइसिंग हो रहा है बहुत जल्दी। अगर कोई नया खबर उल्टी पुल्टी नहीं आती है, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया के अलावा फ्लोरिडा अगर नहीं आता है, तो मुझे लगता है हम समवेयर नियर द बॉटम है। बट मैं इन चार अमेरिकन शहरों को बड़े ध्यान से देखता हूं रोज शाम को डाओ के साथ कि इनमें क्या हो रहा है। तो कल ऊबर 30-35% ऊपर था, देखते हैं अब ये स्टॉक अगर बढ़ने लग गए, मतलब अमेरिका में फिर खबर ये फैल जाएगी कि भाई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो ये सब स्टॉक्स को तो नॉर्मली इतने बढ़ने नहीं चाहिए अगर प्रॉब्लम है तो। बट देखना है कि नहीं, बॉटम का पता है कि हो गया बहुत हो गया। बसंत जी, आपने 2-3 दफा कहा आप फुली इन्वेस्टेड हैं, ये बताइए आपने पिछले एक हफ्ते दो हफ्ते में किस सेक्टर के मैक्सिमम शेयर खरीदे हैं? नहीं, अक्रॉस द बोर्ड खरीदा है हम, बाय चांस समझिए, कुछ समझिए, हम थोड़े से कैश में भी थे, होते नहीं है कभी, बट इस बार हो गए। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने खरीदा है, और मतलब मुझे लगता है फॉर एग्जांपल दो स्टॉक हम तो नहीं लेते भी नहीं है, जस्ट एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए बोलना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की PSUs हम कभी लेते ही नहीं है, बट अगर आप ONGC को देखें, गेल को देखें, ONGC 2008 में जब क्रूड $12 था तो ONGC उस भाव को भी तोड़ दिया है, ₹5 डिविडेंड है इसमें। गेल को आप देखिए, आप ऐसे ऐसे शेयर लीजिए, मतलब जैसे बोले ना कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो गवर्नमेंट को उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे शेयर लीजिए जिससे प्रॉब्लम आपके साथ गवर्नमेंट को भी हो, बिकॉज गवर्नमेंट कोई ना कोई भार आपके लिए कुछ निकालेगी। बसंत जी, ये आपने बहुत अच्छे नाम लिए, दो दिग्गज बैंक और दो बहुत अच्छी PSU कंपनीज जहां पर प्राइस बहुत जबरदस्त तरीके से आपको रिवर्ट होता हुआ दिख रहा है। ये बताइए, जो कुछ कठोर कदम सरकार उठा रही है पिछले एक हफ्ते से, आपको लगता है आगे आने वाले दो हफ्तों में ये और मजबूत होंगे, या फिलहाल आपके हिसाब से जो कदम उठाने थे वो सरकार उठा चुकी है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई कदम सरकार उठाई है जिससे हमारी इकोनॉमी को कोई फायदा हो। शैल जी, प्रॉब्लम ये होएगा, सपोज कोरोना कंट्रोल हो गया कल, जो 15 दिन तक जो टैक्सी ड्राइवर के पैसेंजर नहीं मिले वो किस्तें कहां से चुकाएगा? जो सड़क पे खड़े होकर भेल बेचता है या पाव भाजी बेचता है या वड़ा पाव बेचता है वो कहां से पैसे चुकाएगा? सो लोअर मिडिल क्लास जो है एकदम ही, जो दिहाड़ी मजदूर जिसको हम कहते हैं स्पष्ट हिंदी में, जो डेली वेज वर्कर है, उसको वही प्रॉब्लम आएगी जो डिमोनेटाइजेशन के समय आई थी, क्योंकि वो पेरिशेबल वर्क है उसका, उसको वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है। वर्क फ्रॉम होम तो मेरे और हम लोग सूट वूट पहन के घर में बैठे खाते हैं, काम भी करते हैं और गप्पे भी मारते हैं इधर उधर। वर्क फ्रॉम होम उसके लिए होता है जिसको उस महीने की सैलरी नहीं मिलने से भी उसकी जिंदगी चलती है। वर्क फ्रॉम होम टैक्सी ड्राइवर को, डेली वेजर को, प्लम्बर को, आपके घर में नलका अगर खराब है आप प्लम्बर नहीं बुलाएंगे, अभी सिचुएशन इतना खराब है। तो ये इनके लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, डाउन द लाइन पैसे आने चाहिए, लोअर मिडिल क्लास को पैसे मिलने चाहिए। अब मुझे लगता है पैसे देने के समय ये सब ठीक है, स्पीच सुन के हम तालियां बजा देंगे मोदी जी की, लेकिन जब पैसे देने का समय आएगा तो 80% इंडियन जो आदमी है ना वो तनख्वाह काट लेता है। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो वर्क फ्रॉम होम करके रखे हैं एक हफ्ते पहले से ही, बट ये बहुत ईजी नहीं है। बसंत जी, बहुत जबरदस्त हम लोगों ने वैल्यूएशंस देखी थी कंज्यूमर स्पेस में, स्टॉक्स के तो नाम नहीं लेंगे लेकिन सब बहुचर्चित नाम है, आप जो इनमें इरोजन देख रहे हैं, क्या नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन पर इनकी वैल्यूएशंस आ गई, चाहे वो पेंट कंपनीज हो, चाहे वो शू कंपनीज हो, या वो FMCG स्टॉक्स हो, वहां पर आपको लग रहा है वैल्यूएशंस ठीक है? चल जी, अभी नॉर्मल तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज सब कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। ये वैल्यूएशन का लॉस उसके लिए है जो आज या कल बेचेगा, जो एक साल रखने की पावर रखता है उसके लिए मुझे नहीं लगता है कोई लॉस है, एक साल में आपके पैसे ठीक आ जाएंगे।
बिकॉज सब कुछ अब नॉर्मल हो रहा है, आप नॉर्मल वैल्यूएशन या आर्टिस्टिक कैसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर एक साल तक कोरोना ठीक नहीं हुआ तो आप अपनी पेंट कंपनी और जूते की कंपनी की चिंता नहीं करेंगे, आप अपने आप की चिंता ज्यादा करेंगे। तो उस समय आपके पास शेयर हो या गोल्ड हो या कैश हो या बैंक एफडी हो, सभी कुछ प्रॉब्लम में। अगर एक साल कोरोना ठीक नहीं हुआ था और एक साल के अंदर ठीक हो गया तो फिर वो स्टॉक लीजिए जो कोरोना ठीक होने से रिकवर करेगा। ठीक बात है सर। एक सवाल मेरा कच्चे तेल पर भी है क्योंकि इस पर अभी तक चर्चा हुई नहीं, ये क्रूड में जो उथल पुथल देखने को मिला है, अमरीका कह रहा है कि अब मैं इंटरवीन करूंगा सऊदी अरेबिया और रशिया की दिक्कतें सॉल्व करने के लिए, आप कैसे स्टोरी को ट्रैक करें और आपका कॉल क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं $20 तक चला जाएगा। नहीं, मुझे लगता है पुतिन ने जब हथौड़ा मारा है जब लोहा गर्म था, उसको पता था ग्लोबल, अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रांग होती ना तो क्रूड इतना दो दिन 5% गिरता वहां से रिकवर कर जाता। द फैक्ट दैट क्रूड फेल डजंट मीन कि पुतिन के बोलने से बोले, अंदर अंडरलाइंग इकोनॉमी बहुत वीक है, सब कुछ लॉकडाउन है, चाइना बंद है, दुनिया की फैक्ट्री बंद है, बैक ऑफिस बंद है, तो इंडिया फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम में आ सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं लगता क्रूड में कोई तेजी आएगी अभी फॉर द मोमेंट, बिकॉज ग्लोब 2008 में क्या था, आपके मन में डर नहीं था, आपके फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम थी, आप समझ रहे थे कैसे इसको टैकल किया जाए, बट अभी तो आदमी मिल नहीं रहा किसी से, आप मिलेंगे नहीं किसी से तो काम थोड़ी होगा। सही कह रहे, तो क्रूड तो मुझे लगता है प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में आ गया जब तक कोरोना ठीक नहीं होता। लेकिन जिस दिन ठीक होगा ह्यूज कमोडिटी बुल रन, ह्यूज स्टॉक मार्केट बुल रन, बिकॉज इतना जो पैसा छपा है, पैसा तो बैंक में नहीं रहेगा, बैंक में रखने से पैसे के पैसे चुकाने पड़ेंगे, पैसा चेज करेगा एसेट्स, तो जितना बड़ा तेजी हमने पहले नहीं देखी उतनी बड़ी आएगी। मार्केट मुझे अभी भी लगता है 200 500 700 पॉइंट के हिसाब से रिकवरी आएगी निफ्टी में, लेकिन कब आएगी, कब से शुरुआत होगी ये तो नहीं पता, लेकिन लग रहा है हो गया, बहुत कुछ हो गया। बसंत जी गुड मॉर्निंग, प्रदीप बोल रहा हूँ। दो सवाल लोगों के दिमाग में है जो लोग पूछ रहे हैं। पहला ये कि देखिए दो तरह के शेयर हैं, एक जिन पे कोरोना का असर नहीं हुआ वो भी गिर रहे हैं, जिन पे असर हो रहा है डायरेक्ट वो ज्यादा गिर रहे हैं, दोनों में से क्या लें? और दूसरा, जिस सेक्टर पे आपकी नजर है आपको पसंद है वहां पे लार्ज कैप तो गिर रहे हैं लेकिन स्मॉल कैप की तो कोई हालत देखने लायक नहीं रह गई, तो दोनों में से क्या लें, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो स्टॉक कोरोना के कारण गिर रहे हैं वो ज्यादा लेना चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट सुधरेगा तो कोरोना के हटने से सुधरेगा, और कोरोना के अगर हटने से सुधरेगा तो जिसपे कोरोना के कारण पिटाई हुई है वो ज्यादा लें। दूसरी बात, अभी भी वही बात है, देखिए अगर लार्ज कैप आपके पास था तो वो 50% बढ़ के 30% गिर गया है, अगर आपके पास स्मॉल कैप था तो बढ़ा ही नहीं, वहीं से और 50% गिर गया है, तो रिकवरी फिर लार्ज कैप में आएगी, रिकवरी फॉरेनर बाइंग में आएगी, फॉरेनर्स ETF बाइंग आएगी, और वो तो लार्ज कैप को ही चेज करेंगे, वो इधर उधर नहीं ढूंढेंगे, वैल्यू नहीं देखते वो, उन्हें चाहिए मोटा मोटे कंपनियां कौन सी है जो बेनिफिट कर रही है इंडिया से। तो अगर आप रियली ब्रेव हार्ट है तो वो स्टॉक लीजिए जो कोरोना के कारण गिरा है, बिकॉज अगर कोरोना नहीं सुधरेगा तो आपके पास कुछ भी और रोना ही रोना है। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मन तो नहीं कर रहा आपको धन्यवाद करने का, बहुत सारे फेसबुक पे और ट्विटर पे कमेंट्स आ रहे हैं, बसंत साहब मजा आ गया आज आपकी आवाज सुनकर और आपके व्यूज को सुनकर, और मुझे ये सबसे बढ़िया लगा कि आप हमारी CNBC आवाज की मुहिम के साथ खड़े हैं, आप भी चाहते हैं कि सरकार दरअसल अगर शॉर्ट सेलिंग के ऊपर एक बैन लगाए तो फिर वो बढ़िया बात होगी। शुक्रिया आपका सर आज समय निकालने के लिए, धन्यवाद। मार्केट देखिए।